साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे पिल्को दाद कट। साथियों पिल्को दाद कट रिंग वॉर्म ऑइंटमेंट है साथियों, बहुत ही चीप एंड बेस्ट है साथियों, सभी केमिस्ट की दुकान पे आसानी से मिल जाएगा। साथियों ये इसका बॉक्स है, इस तरह का ट्यूब है साथियों, किसी तरह का दाद हो, दाद खाज खुजली रिंग वॉर्म पुराने से पुराना दाद हो, पिल्को दाद कट के नाम से जो ये ट्यूब आता है इसको लगाते तुरंत आराम मिल जाएगा। साथियों इसकी 18 रुपये MRP है और ये 9 ग्राम का ट्यूब है साथियों। साथियों इसके बारे में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन, पिल्को दाद कट रिंग वॉर्म ऑइंटमेंट है क्या, साथ ही साथ इसके बेस्ट कंपोजिशन की बात करेंगे, यूजेज एंड बेनिफिट की बात करेंगे, एंड डोजेज डायरेक्शन फॉर यूज की बात करेंगे, एंड हाउ टू यूज इसके बारे में बात करेंगे, साइड इफेक्ट की बात करेंगे, प्रिकॉशन एंड वार्निंग की बात करेंगे, सेफ्टी इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। साथियों पिल्को दाद कट क्रीम 9 ग्राम की है जो हमारे पास, ये प्रिमरली यूज टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन। साथियों किसी तरह का फंगल का इन्फेक्शन है उसमें उपयोग करने वाली ये ट्यूब है साथियों। स्किन में किसी तरह का विकार है, एक्सटर्नल यूज है, दाद खाज खुजली एथलीट फूड और भी बहुत से यूजेस हैं, अभी यूजेस में हम बताएंगे, अभी डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं। जैसे कि सबसे एथलीट फूड में साथियों होता क्या है कि हाथ और पैर के उंगलियों के बीच की स्किन वाइट होकर निकलने लगती है और इचिंग होती है। जॉकिच में साथियों क्या होता है कि जो है रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है और इचिंग होने रहती है स्किन में कहीं पे होता है, उसमें लगाते तुरंत आराम मिल जाएगा। रिंग वॉर्म दाद खाज खुजली फोड़ा फुंसी किसी तरह की समस्या, इसको लगाएंगे तुरंत आराम मिल जाएगा। और किसी तरह का अदर फंगल इन्फेक्शन है तो उसमें इसको लगाएंगे तुरंत आराम मिलेगा सर। साथियों इसकी MRP 18 रुपये है, 9 ग्राम की ट्यूब है साथियों। पिल्को हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड एक उत्तराखंड की कंपनी है, उधम सिंह नगर की, सभी जगह आसानी से ये मिल जाएगा। साथियों कंपोजिशन की बात करेंगे तो इसमें सैलिसिलिक एसिड 10% वेट बाय वॉल्यूम मिला है, बेंजोइक एसिड मिला है 9.95 वेट बाय वॉल्यूम, थाइमॉल मिला है 0.50% वेट बाय वॉल्यूम, एंड पैराफिन क्वांटिटी बेस इसके अंदर मिला हुआ है। साथियों यूजेज एंड बेनिफिट की बात करेंगे साथियों, तो जैसा कि अभी डिस्क्रिप्शन में बताया है, फंगल इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है, साथ ही साथ दाद हो जाता है, रिंग वॉर्म में इसका उपयोग किया जाता है, और इचेस मतलब किसी तरह की घमौरिया है, खुजली करने का मन हो रहा है, इचिंग हो रही है, बहुत स्किन सहरा रही है, या जैसे कभी खेत या पेड़ जाते हैं या गार्डन में जाते हैं तब पैर और हाथ में क्या होता है पत्तियां लग जाती हैं पेड़ पौधों की और उससे खुजली होने लगती है, ऐसे केस में पिल्को दाद कट रिंग वॉर्म ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करेंगे तुरंत आराम मिलेगा। साथियों किसी तरह का एक्जिमा है, नैपी रैसेस हो जाता है, एक्जिमा मतलब हो जाता है खुजली होती है, और स्वीट रैसेस हो जाता है, पसीना की वजह से घर्षण होता है कपड़े का, उससे इचिंग होने लगती है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। साथियों बहुत इसके ज़्यादा यूजेस हैं, बहुत अच्छा है, जब भी परचेज करेंगे देखिए साथियों इसमें लिखा है दाद काज खुजली अन्य चर्म रोगों के लिए उपयोगी। साथियों साथ ही साथ इसका जो है मेडिकेशन आल्सो यूज टू ट्रीट स्किन कंडीशन इन्फेक्शन नोन एज पिटेरियासिस। पिटेरियासिस में क्या होता है, रेड जो है चकत्ते पड़ जाते हैं स्किन में कहीं पे भी, उसमें भी इसका जो है उपयोग किया जाता है, जिसको हम फ्लैकिंग एंड स्कैलिंग ऑफ द स्किन भी कह सकते हैं, उसमें इसका उपयोग बहुत अच्छा होता है। साथियों बहुत ही अच्छी ट्यूब है साथियों, आसानी से दुकान पर मिल जाएगी और आप लगाते तुरंत दाद से छुटकारा मिल जाएगा। साथियों डायरेक्शन फॉर यूजर्स एंड डोजेस की बात करेंगे तो एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन, अदरवाइज साथियों जहां पे भी इन्फेक्शन है वहां पे फ्रेश वाटर से धुलने के बाद जो है इसको जो है अप्लाई करेंगे थिनी लेयर में, पतला पतला लगा के थोड़ी देर जो है हल्का सा मसाज ऐसा हल्का 1 टाइम 2 टाइम करके छोड़ देंगे, दिन में 2 से 3 बार लगाएंगे, रब्ड करेंगे जेंटली और धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। तो कहने का मतलब है दिस क्रीम शुड अप्लाइड थिकली टू द अफेक्टेड एरिया 2 to 3 times डेली और रब्ड जेंटली। साथियों प्री एंड पोस्ट हाथ धुलना ना भूलें, क्योंकि पहले हाथ धुल के तब इसको लगाएंगे फिर उसके बाद हाथ धुलेंगे। साथियों साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो इसमें पिल्को दाद कट और रिंग वॉर्म ऑइंटमेंट में बहुत ज़्यादा तरह का साइड इफेक्ट नहीं है, कभी कभार किसी को बर्निंग इचिंग रेडनेस ड्राइनेस होने लगती है स्किन पे, तो ऐसे केस में जो है क्षणिक है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा सीवियर होता है तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें और अपने स्किन स्पेशलिस्ट से मिलें, अदरवाइज साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता।
वार्निंग एंड प्रिकॉशन की बात करेंगे तो जो भी व्यक्ति अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करने के साथ इसका उपयोग नहीं करना है। प्रेग्नेंट महिलाएं इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स नहीं कर सकती हैं। अगर ड्राइविंग करते हैं, हैवी मशीन चलाते हैं तो उसको यह उपयोग करके नहीं चलाना है। साथियों इससे होता क्या है, डिजनेस, ऐसी फीलिंग आएगी, डिजनेस टाइप का लगेगा, ब्लरीड विजन हो जाएगा, सुस्ती आ जाती है शरीर में, तो ऐसे केस में इसका उपयोग ना करें। सेफ्टी इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो जब भी परचेज करें इसकी एक्सपायरी जरूर चेक करें फॉर एक्सटर्नल यूज, साथ ही साथ इसका जो है रूम टेम्परेचर पे रखें और बच्चों की पहुंच से दूर रखें। साथियों बहुत अच्छा ट्यूब है, साथियों लिखा है 50 वर्षों से भरोसेमंद, लिखा है 50 ईयर्स ऑफ ट्रस्ट, बहुत पुराना और ब्रांडेड ट्यूब है साथियों। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।